हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप लोग पूरे वीडियो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग अभी तक काफ़ी सारी ट्रिक्स सीख गए होंगे। स्पेशली अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने ज्योमेट्री की काफ़ी ट्रिक्स ले ली हैं और अभी कोशिश करूंगा कि मैं काफ़ी और ज्योमेट्री की आपको ट्रिक्स बताऊं, क्योंकि ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारी ट्रिक्स निकल सकती हैं। तो जितनी ज़्यादा मुझसे पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने की कोशिश करूँगा जो मुझे लगता है कि हो सकता है आपको ना पता हो, क्योंकि बेसिक तो आपको आते ही होंगे। तो अभी तक भी मैं बता दूं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को हिट करवाइए ताकि अपना चैनल भी फेमस हो पाए। अब तो ये आप ही का चैनल हो गया, ठीक है। और आपको टेस्टिमनी में जैसे आप लोग काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आजकल लिख रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी हेल्प हो रही हो हमारे वीडियो से वो टेस्टिमनी में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरी ईमेल आईडी anshu2206@gmail.com है। और आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा वीडियो से रिलेटेड, जो भी आपको लग रहे हों। और इन केस आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो, स्पेशली अलजेब्रा में हो सकता है आएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में अलजेब्रा के मैंने पूरे सॉल्यूशन लेके रखे हुए हैं। वो अलजेब्रा के आप पूरे सॉल्यूशन एक बार जाके देखिए, ये कैट में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और ज़रूरी नहीं कि कैट में ही करे, कैट के अलावा बाकी भी एग्ज़ाम है, IIFT है, ZAT है, CMAT भी आएगा। और या कुछ लोग IBPS की तैयारी करते हैं, SSC की तैयारी करते हैं, उन लोगों को भी ये सब शॉर्ट ट्रिक काफ़ी काम में आएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग पूरे वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे। आज का शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। और शॉर्ट ट्रिक में मैं दरअसल सिर्फ शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूँ साथ ही साथ में, कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद ना हो पाए तो आप कॉन्सेप्ट भी सीख लें। क्योंकि क्या होगा, एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया तब तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन वैसे ही आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन लिख लीजिए। मान लेते हैं ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें दो सर्कल बनाए हुए हैं जो तीन साइड्स को टच कर रहे हैं और आपस में भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब ABCD जो रेक्टेंगल है उसमें मैं DC की लेंथ मान लेता हूँ 14 है और BC की लेंथ मान लेते हैं 7 है, ठीक है। तो आपको ये जो ब्लू पार्ट है उसका एरिया बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू पार्ट। ठीक है, इसको 2-5 मिनट में सॉल्व करके देखिए, आंसर जो भी है आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर डालिएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन काफ़ी आसान है इसका। मान लेते हैं कि रेक्टेंगल है, DC की लेंथ में A मान लेता हूँ, BC की लेंथ में B मान लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मुझे ब्लू पार्ट का एरिया निकालना है। अच्छा, ध्यान से देखें तो BCD जो है वो एक रेक्टेंगल ट्रायंगल होगा, तो ट्रायंगल BCD का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ A इंटू बी, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सर्कल वाला पार्ट मुझे हटाना है, तो अगर ट्रायंगल के एरिया में से ही जो सर्कल के पार्ट्स हैं इनको मैं माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेरा ब्लू पार्ट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक मुझे ये पार्ट माइनस करना है सर्कल का और एक ये वाला माइनस करना है। अगर सिमेट्रिसिटी पे ध्यान दें तो जो ये वाला पार्ट है वो सेम एरिया इस वाले पार्ट का होगा, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और अब काफ़ी लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो मैं ये अलग अलग पार्ट्स का एरिया निकालने की जगह क्या करूं, ये ट्रायंगल में से मैं एक सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो ये एक सर्कल का ही एरिया है, ठीक है। तो एक सर्कल का एरिया क्या होगा, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ध्यान दें, ये रेडियस होगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, पूरी अगर बी है हाइट इसकी तो रेडियस क्या हो जाएगी, b/2, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो एक सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr², तो π×b/2 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ब्लू पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ab माइनस π×b²/4,
आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, और जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वैल्यू तो मैंने दे ही दी थी, उन वैल्यू को निकाल के कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं बार बार आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।